अगर आप अपनी कैट को बात देने वाले हैं तो ये वीडियो पहले देख लें एक दफा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप लोगों ने किस किस कंडीशन के अंदर बात नहीं देना। अगर आपका किटन 2 माह से कम का है तो इस एज के अंदर उसको बात देने से वो बीमार भी हो सकता है। या फिर अगर आप लोग 4-5 दिन पहले या हफ्ता पहले न्यू कैट लेके आए हैं, या आप लोगों की कैट बीमार है, गंदी हुई है, या आप लोगों ने अपनी कैट का ऑपरेशन करवाया है रिसेंटली, तो इन कंडीशंस के अंदर भी आप लोग अपनी कैट को बात नहीं देंगे। और इन कंडीशंस के अंदर आप लोगों को बात लाजमी देना चाहिए जिसके अंदर स्किन इन्फेक्शन आ जाता है, फंगल इन्फेक्शन आ जाता है या स्केबीज आ जाती है। इसके अंदर आप लोगों ने हमेशा अपनी कैट को रेगुलर बात देना होता है। अगर आप अपनी कैट को बात देने वाले हैं तो कोशिश करें दोपहर का टाइम हो, उसको पानी जो है वो बिल्कुल ना ज़्यादा गर्म हो ना ही ज़्यादा ठंडा हो। उसके अलावा बात देने के बाद फौरन बाद आप लोगों ने उसे प्रॉपर ड्राई करना होता है ताकि किसी भी तरह की स्किन इन्फेक्शन या उसके बालों में मैट्स ना बने। और समर्स में आप लोग अपने कैट को 2 से 3 दफ़ा और विंटर्स के अंदर 1 से 2 दफ़ा अपने कैट को इजीली नहला सकते हैं।